Hello students, welcome to my channel. I am your science teacher, Charu. Today we will discuss chapter 12 natural disasters. In this chapter, we will read different topics like earthquakes, tsunami, floods, and volcanoes. So we will read chapter 12, natural disaster. Natural disasters are sudden calamities causing great loss of life and property. दे आर वेरी बिग एक्सीडेंट्स दीज बिग एक्सीडेंट्स आर कोस ड्यू टू वेरस नैचुरल फिनोमिना विच मीन्स जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो सडन क्लैमिटीज हैं जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का ग्रेट लॉस होगा और ये बहुत बड़े एक्सीडेंट हैं और ये एक्सीडेंट किस वजह से हो रहे हैं ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना मोस्ट डिज़ास्टर कोस सीरियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देर आर सैवरल नेचुरल डिज़ास्टर विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ ऑन अ लार्ज स्केल विच मीन्स बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर हैं जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है और जो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो बहुत बड़े स्केल पर अर्थ पर लाइफ को अफेक्ट करती हैं सम ऑफ दीज आर अर्थक्वेक्स सुनामी फ्लड्स वोल्केनोस एट्सट्रा नाउ वी विल रीड अबाउट आर्ट क्विक्स एंड अर्थ क्विक इज द सडन शेकिंगशन ऑफ द आर्थ क्रस्ट विच मीन्स अर्थक्विक क्या है सडन शेकिंगशन ऑफ अर्थ क्रस्ट यानि कि अर्थ क्रस्ट की सडन शेकिंग की वजह से अर्थक्विक होगा द अर्थ क्विक स्ट्राइक ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द प्लेट्स बिलो द आर्थ क्रस्ट आर्थ क्विक किस वजह से होगा जो अर्थ क्रस्ट के नीचे प्लेट्स हैं उन प्लेट्स की मोमेंट की वजह से अर्थक्विक होगा आवर अर्थ हैज सेवरल प्लेट्स ऑफ रॉक्स बिलो इट्स अपर सरफेस और क्रस्ट जो हमारी अर्थ है इसकी अपर सरफेस यानी कि क्रस्ट के नीचे बहुत सारे रॉक्स की प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स की मोमेंट की वजह से अर्थक्विक होगा दीज प्लेट्स कीप मूविंग स्लोली इन डिफरेंट डायरेक्शन और जो ये प्लेट हैं स्लोली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं वैन द टू प्लेट्स को लाइट द अर्थ सरफेस इज शेकन और जब ये दोनों टू प्लेट्स को लाइट करेंगे यानी कि आपस में टकराएंगी तब जो अर्थ सरफेस होगा वो शेक करेगा दिस इज हाउ एंड अर्थ क्विक अकर्स तो इसी वजह से अर्थक्विक होगा यानी कि जो अर्थ क्रस्ट के नीचे प्लेट्स हैं रॉक्स की प्लेट्स हैं उनकी मोमेंट की वजह से उनके कोलाइड होने की वजह से अर्थक्विक होगा द पॉइंट वेयर अर्थ क्विक बिगिनस इज कॉल्ड एप्पी सेंटर और पॉइंट जहाँ से अर्थ क्विक स्टार्ट होगा उसे कहेंगे एप्पी सेंटर ड्यू टू अर्थ क्विक मैनी हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर स्मैश अर्थक्विक की वजह से बहुत सारे हाउस बिल्डिंग स्मैश हो जाती हैं यानी कि ब्रेक हो जाते हैं टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग अर्थ क्विक स्मैश इवन द स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स लाइक ब्रिजेस फ्लाईओवर स्क्रैपर एट्सेट्रा यानी कि जो स्ट्रॉन्ग अर्थ क्विक है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग ब्रिजिस फ्लाईओवर स्क्रैपर्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं अक्रेट अर्थ क्विक रोक द नेपाल ऑन अप्रैल ट्वेंटी फिफ्थ टू थाउजेंड फिफ्टीन दिस वॉज अ मेजर अर्थ क्विक तो ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन में नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वो बहुत ही मेजर अर्थक्वेक था सो so आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक मैनी हाउसेज आर स्मैश्ड बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग स्मैश्ड हो गई हैं अर्थक्वेक की वजह से नाउ फैक्ट फाइल द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक इज कॉल्ड सिस्मोमीटर तो इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम अर्थक्विक की इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं उसे कहेंगे सिस्मोमीटर यूजिंग अ रिचर्ड स्केल इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक तो रिचर्ड स्केल की हेल्प से अर्थक्विक की इंटेंसिटी को मेज़र किया जा सकता है जैसे आपको पिक्चर में भी यहाँ पर शो किया गया है नाउ वी विल रीड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ आर्थक्विक सो फर्स्ट पॉइंट इज अर्थक्विक कोज ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ फिश मीन आर्थक्विक की वजह से प्रॉपर्टी और लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है नेक्स्ट डैम्स एंड ब्रिजस मे भी डेस्ट्रॉयड और डैम्स और ब्रिजेस भी डेस्ट्रॉयड हो जाती है नेक्स्ट पॉइंट अर्थक्विक कैन कोस लैंड स्लाइड फिश मे कोस मच डैमेज इन हिली एरिया तो अर्थक्विक की वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है तो उसकी वजह से हिली एरिया में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है नाउ बेसिक सेफ्टी टिप्स ड्यूरिंग अर्थ तो अर्थ के दौरान कौन कौन से सेफ्टी टिप्स अपनाने चाहिए हम अब वो डिस्कस करेंगे बेसिक सेफ्टी टिप्स सो फर्स्ट इज़ एज सुन एज यू फिल अर्थक्विक रश टू लीव द हाउस एंड स्टेइंग ओपन तो जैसे ही आपको लगे कि अर्थक्वेक है तो आपको अपने घर से बाहर जाना है ओपन एरिया में नेक्स्ट इफ़ यू कैन नॉट गो आउट हाइड योर सेल्फ इन अ नैरो कॉर्नर और अंडर अ लो स्लैब और टेबल तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने आप को हाइड करेंगे नैरो कॉर्नर में या फिर स्लैब और टेबल के नीचे नेक्स्ट पॉइंट नेवर स्टैंड नियर अ हाई बिल्डिंग और ट्री इन एन अर्थक्वेक तो अर्थक्विक में आपको हाई बिल्डिंग या फिर ट्री के पास नहीं खड़े होना तो ये आपको सेफ्टी टिप्स यूज करने हैं अर्थक्विक के दौरान नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुनामी आर्थक्विक्स अंडर सी कैन कोज टाइडल वेव्स और सुनामी विच मीन्स आर्थक्विक अगर अंडर सी होगा तो उसकी वजह से टाइडल वेव्स होंगी यानी कि सुनामी ऑन दिसंबर ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड फोर अ सुनामी वास कोस्ट इन इंडियन ओशियन बाई एन अंडर सी तो ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड फोर में अंडर सी अर्थ की वजह से इंडियन ओशन में भी सुनामी हुई थी ड्यूरिंग सुनामी द टाइडल वेव्स मी अटेन स्पीड ऑफ ओवर सेवन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर पर आवर यानी कि सुनामी जब होगी तब जो टाइडल वेव्स हैं उनकी स्पीड 750 किलोमीटर पर हार होगी अंडर सी वोकैनिक इरप्शन मे आल्सो स्टार्ट ऑफ सुनामी तो अंडर सी जो वोल्कैनिक अरप्शन है उनकी वजह से भी सुनामी स्टार्ट हो सकती है सो सुनामी किस वजह हो से होगी आर्थ क्वेक की वजह से अंडर सी अगर अर्थक्वेक होगा तो सुनामी होगी यानी कि जो टाइडल वेव्स हैं उसकी स्पीड 750 हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो टाइडल वेव्स हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। सो नाउ फैक्ट फाइव सुनामी इज़ अ जैपनीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव तो सुनामी एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मीनिंग है हार्बर वेव नाउ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं सुनामी आर कास्ट बाय अंडर सी अर्थक्विक तो अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से सुनामी होगी जिसमें टाइडल वेव्स की स्पीड 750 किलोमीटर पर आर होगी तो इस स्पीड से ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी सेकंड पिक्चर में भी आप देख सकते हैं किलर बैक कैन कैरी अवे मैन एंड लाइफ स्ट्रोक तो सुनामी की वजह से क्या होगा बहुत ही नुकसान होगा जिससे जो मैन लाइफ स्टॉक बहकर आ जाएंगे नाउ नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ सुनामी फर्स्ट इज ड्यू टू हाई स्पीड एंड साइज दे कैन वाइप आउट एंटायर कोस्टल सेटलमेंट्स विच मीन्स टाइडल वेव्स की हाई स्पीड और साइज की वजह से जो एंटायर कोस्टल सेटलमेंट है वो वाइप आउट हो जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है तो क्योंकि वो सारे का सारा बह कर आ जाएंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा सेकेंड पॉइंट द किलर बैक वॉश कॉस्ट कैन कैरी अवे मैन एंड लाइफ स्टॉक तो जो किलर बैक है उस क्या होगा उसे मैन और लाइफ स्टॉक बहकर आ जाएंगे दी हार्मिकको सिस्टम स्पेशली द कोरल रीफ आर अफेक्टेड तो ये इको सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं स्पेशली जो कोरल रीफ हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं लास्ट पॉइंट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक एंड अदर फैसिलिटीज़ आर डिस्ट्रॉयड तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक और अदर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं सो टूडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टक्वेक्स एंड सोनामी सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर